बोलता हाँ हूँ। हाँ हाँ ओ हाँ आया वन याद थिंग, आया। हाँ वन थिंग दैट हैज स्टक विद मी इज छोटे लोगों से बात मत कर। छोटे लोगों से बात हाँ यही है, बट ऑब्वियसली आई नॉट से छोटे लोग, आई मीन लाइक मतलब जो डिमोटिवेट हो रहे हैं डीमोटिवेट ये उससे साथ बात में मत करो। डिमोटिवेट मत होते जाओ उनके साथ, क्या बात है यार है साथ में तुझे। रो मत साथ में उठो। अरे वाह कुछ कुछ तो यार तुझे। ठीक है वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। थ्री टू वन कैमरा एक्शन रोलिंग। हाय एवरीवन। हाय विदुषी वेलकम ऑन बोर्ड। हेलो सर, ये हाय। बंदी हाय 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 ये बंदी बहुत अमेजिंग बंदी है। शी इज क्रैक्ड। आई मीन क्या बताऊँ यार। सबसे अच्छा अच्छा स्कोर इसका वर्बल एबिलिटी का है 99.3 और ओवरऑल 97 के आसपास मारे इस बंदी ने। और बड़ी स्टड बंदी। क्वांट में भी छक्के मारे हैं। एलआईडी में भी छक्के मारे हैं। एलआईडी में उतने छक्के नहीं मारे बट ओवरऑल देखो इसके पास काफ़ी आईआईटीज की कॉल है। एक दो आईआईएम्स की भी कॉल है भाई। लेट्स बिगेन टुडे वी गोना टॉक अबाउट मॉक्स का डिस्कशन। बिफोर वी गेट स्टार्टेड विदुषी व्हेन यू वर गिविंग मॉक्स वॉज इट अ स्मूथ यस, राइड और वॉज इट लाइक बम्पी राइड ऊपर नीचे के नीचे ओह नीचे। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जितना ज्यादा मॉक्स उतनी ज्यादा बम्पी राइड, और उतनी ज्यादा डीमोटिवेशनल होने की कोशिश कि अब मैंने मुझसे नहीं होगा कैट, आज मैं गिव अप करूंगी, अब क्या होगा, आज ये सेक्शन नहीं हुआ कल वो वाला सेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बस लगे रहो। बस लगे रहो। एंड यू स्पेंड योर वीकेंड्स इंटायरली गिविंग मॉक। सैटरडे संडे देती थी क्या या प्लान या था? डेफिनेटली सैटरडे संडे बोथ, वन मॉक ईच। दिस इज मोस्टली लेटर टू मॉक्स, लेकिन शुरू में एक ही मॉक देती थी, तो हाँ ई वन ऑफ सैटरडे और वन ऑफ संडे, पर पूरे घर में पता होता था उस दिन मॉक है, और टीवी बंद होने चाहिए बाहर, सबका फोन साइलेंट पे, किसी का फोन आए तो रूम में जाके बात करो दरवाजा लगाकर। दिस इज ड्यूरिंग मॉक एंड ड्यूरिंग एनालिसिस। ये शक्ल दे प्यारी प्यारी शक्ल पे मत जाना। ये बंदी जब पढ़ती है मैं इसको एक साल से हम जानते हैं एक दूसरे को। राइट विदुषी हाँ जी, इट्स यस बीन सर, वन ईयर। ये प्रफुल्ल यस। इनका अलग ही गैंग है। ये मेहनती लोग हैं। मतलब ये शक्ल पे मत जाना। इतना मेहनत करती है इतनी पढ़ाई करती है ना ये। मतलब पढ़ती है तो फिर फाड़ ही देती है। मैं राइट विदुषी। कोशिश सर। कोशिश आई लाइक इट। और ये 10th 12th के भी नंबर स्टड है बंदी के। लेट्स कम बैक टू द मॉक। ग्रेट सो लेट्स टॉक अबाउट मॉक्स। पहला मॉक कब दिया था विदुषी? समवेयर इन जून जुलाई अगस्त। या फर्स्ट फर्स्ट मॉक जून, दिस इज इवन बिफोर आई हैव प्रॉपर्ली स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, आई जस्ट नो दिस इज कैट, आई नो देयर आर थ्री सेक्शंस, आई नो कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पास्ट क्वेश्चन पेपर देखकर, और मैंने सोचा दे देते हैं, मतलब इट्स जस्ट अ मॉक, तुम्हें बस दिखाएगा तुम कहाँ हो, क्या बात तो है। क्या ये रियल एक्चुअल कैट थोड़ी ना है जो मेरे नंबर पे ही चले गए, तो लवली मैंने दे दिया और अच्छा लगा देकर, क्योंकि आपको एक तरह से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कितने पानी में हो आप, थोड़ा राइट। नहीं काफी आइडिया लग जाता है, तो मॉक नंबर देने के बाद। नंबर आए यस या ना आए मतलब पता चल जाता है कि वेड यू स्टैंड यू नो। एंड ऑन पेपर कैसा यस आने वाला है थोड़ी एक्सपेक्टेशन होनी शुरू हो यस जाती यस यस डेफिनेटली। और आप है। उस सडनली वो एक मॉक देकर जो आप जोन में जाते हो, और स्पेशली क्योंकि प्रिपरेशन तो थी नहीं मेरी, तो जब मतलब एज बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, तो आइडियली क्वांट होना चाहिए था, पर इतने दिनों सालों से फॉर्मूला रिवीजन कुछ करी नहीं है, उधर भी सोच रही थी कि क्या था फॉर्मूला क्या कर रही हूँ, तो हाँ पता चला कि करना है अभी स्टार्ट करना है। लवली। लेट्स बिगिन। सो यू गेव हाउ मेनी मॉक्स टोटली? अबाउट 25 to 30, मिनिमम 25 फॉर श्योर। 25 to 30 बॉयज एंड गर्ल्स। शी इज अ कैट किंग स्टूडेंट। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। लेट्स टॉक अबाउट द रियल कैट मॉक्स। तूने रियल कैट मॉक्स जब दिए हाउ वाज द लेवल? रियल कैट मॉक्स जब तू दे रही थी नाम के रियल कैट के थे जब तू एक्चुअली कैट दे रही थी वर्बल फाड़ के आई। 99.3 तेरा वर्बल के अंदर भी है। टॉपर है तू वर्बल की ऑल इंडिया। तो वर इट सिमिलर? हाउ व्हाट्स द डिफरेंस वाज? यस, वेरी सिमिलर। रियल कैट मॉक आर रियली लाइक कैट, सो आई रियल कैट भी मैंने जून में, जुलाई में आई थिंक स्टार्ट किया था देना, और ऑन एंड ऑफ मैं मॉक्स दे ही रही थी रियल कैट के लास्ट तक भी, और जब 40 मिनट्स का हुआ था पैटर्न, वेरी क्लोज, आई वुड से वेरी क्लोज टू व्हाट इट इज, ऑफ कोर्स एकदम सेम नहीं आएगा आपको, पर आपको एक्चुअल आइडिया लगते रहना चाहिए कि एक में डीएलआर टफ आया तो आप कैसे टैकल करोगे, एक में वोबल टफ आया कैसे टैकल करोगे, तो दिस इज आपसे वेरी हेल्पफुल। एंड वो डैशबोर्ड पे उनका वीडियो एनालिसिस वो भी जाकर देखो, वो देखती थी ऐसे ही मत बोल जाके। तूने वीडियो एनालिसिस देखा था जा जाके? सच्ची बता। बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्पफुल लगती है ये चीजें, इट्स नॉट जस्ट योर प्रिपरेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू हेल्प यू अलोंग विद जस्ट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू,
लवली, बहुत ही बढ़िया। तो जाके एक टॉपर सॉल्यूशन देख सकते हो भाई। इट्स नॉट अबाउट जस्ट गिविंग मॉक्स, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस एज वेल। अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे जाता जाएगा, बट वेन वी गिव दिस मॉक्स, क्लिक ऑन द वीडियो सॉल्यूशन, अ टॉपर विल बी सॉल्विंग इट एंड यू गैस कैन चेक इट आउट हाउ अ कैट 99.99% डायलर और अ 100% डायलर इज सॉल्विंग दोज मॉक्स एज वेल। लवली, दैट्स ग्रेट। Oh, is it all of those yeah. things, क्या कहाँ पे ये टॉपर कैसे कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, हम कैसे कर पा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग यार। तो भाई ये जो टॉपर लोग आते हैं, एक सक्सेसफुल बंदा वही होता है हु लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। यू नो लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम अदर स्किल्स एज वेल एंड कीप ग्रोइंग। लवली। Like minded individuals के साथ करो, साथ में preparation, so many people preparing and कभी उनका अच्छा होगा, कभी तुम्हारा बुरा होगा, कभी कभी you know you're giving the same mock sometimes और तुम्हारी same preparation चल रही है, उनका अच्छा गया और तुम्हारा वो तो अलग ही push मिलेगा तुम्हें, मेरा अच्छा क्यों नहीं गया। So on the other hand अगर उसका अच्छा नहीं गया, so you'll feel extremely confident कि I'm doing things right somewhere or the other. Right. But साथ में फिर preparation के दौरान आपको साथ में demotivate भी होगी और फिर साथ में एक दूसरे को uplift करके उठते जाओ। बिल्कुल, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो वो पढ़ रहा है, और इनफैक्ट वो होता है ना कि खुद के नंबर ना आए पर दोस्त के नंबर आ गए, तो उसके नंबर कैसे आ गए, तो तुम डबल पढ़ते हो। यू नो चाहे मोटिवेशन हो चाहे डीमोटिवेशन, ओवरऑल गेम के अंदर लगे रहना इज गोइंग टू बी द क्रक्स एज वेल। और जब ये ग्रुप होगा ना आपका, आई रिमेंबर मैं सोने जाती थी, नींद नहीं आएगी कभी कभी क्योंकि आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो और रात में भटकने की आदत हो गई, आई वाज वर्किंग, तो किसी का डाउट आ जाता था तो मैं तो उठ के सॉल्व करने लगती थी। आई लिटरली बॉट दिस स्क्रिबल बोर्ड टू रैंडमली जस्ट वेक अप इन द नाइट एंड स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चन जो डाउट आया है। Wow. तो अंदर से ही आ जाता था कि मुझे ये करना है वरना नींद नहीं आएगी। Right. And I remember तुम्हारे WhatsApp group पे कोई भी doubt होता था, फटाफट लोग solve भी करते थे, you know. Yes. So always be with a group, good group of people as well. ये मैं videos में अंदर ही बोलता हूँ, विदुषी करते को याद हो तो, you know, थोड़ा ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ रहो। हाँ, आप बोलते हो और आपने वो group बनाया था WhatsApp का। I remember उसपे questions आ रहे हैं, good quality questions। उसपे एक question आज तक जो आया हो, जो easy level का हो, एक भी ऐसा नहीं होता था। All good quality questions, वहाँ पे अच्छे बच्चे सारे। वो तभी पोस्ट करेंगे जब उनसे अंत तक नहीं बना वो क्वेश्चन। तो इमेजिन द लेवल ऑफ यू नो आपको जो फील होगा वो क्वेश्चन बनाकर। राइट Right. So when you add all the Cat King students, when you add to the WhatsApp group, make it a challenge. You're not able to solve it. Post your group in there. कोई solve करे ना करे, उसका answer ढूंढो, खुद ही solve करे, खुद ही डालो. I remember तुम्हारे group में एक देव करके लड़का था, वो सबके solve कर करके video बना बना के भी देता, audio. याद है? बड़ा हेल्पफुल बना, तो भाई वो लोग भी फाड़ के जाते हैं। तो इन शॉर्ट लगे रहो और मॉक्स देने तो चलते ही रहो। लेट्स टॉक अबाउट एनालिसिस एज वेल। विदुषी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट मॉक्स का एनालिसिस। तो अभी तक हमने क्या बात करी कि भाई मॉक्स देने बहुत जरूरी है, 25 से 30 मॉक दे सकते हो। विदुषी गेव रियल कैट मॉक्स एज वेल। अच्छा विदुषी, डिड यू गिव एनी अदर कोचिंग का मॉक्स एज वेल? उसके अलावा तूने एक दो और मॉक्स दे दे, यू टेलिंग मी फिर तूने छोड़ दिए, व्हाट वाज दैट? यस यस, सो टू बी ऑनेस्ट, एक और कोचिंग का मैंने लिया था मॉक, दो और लिए थे, वन आई वाज सैटिस्फाइड विद and the other one it was just a waste of time to be honest, क्योंकि एक होता है mock से demotivate होना, आपको पता है somewhere you are going wrong, but then there was this mock, मुझे mock देखकर ही लग गया this is going wrong, I am right. किसी को हम ये नहीं बोल रहे ये बुरा है, बट प्लीज अपने दोस्तों के साथ बात करना। किसी ने ऑलरेडी कैट क्रैक दिया है, कैट क्रैक किया हुआ है, या कैट 2020 का पेपर सामने खोल के देखो यार, इतनी अकल तुम लोगों को है कि भाई ये मॉक कैसा है और तू कैसा। इफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज 10x, stop giving this mocks and come out, you know, it's about 2,000-3,000 rupees investment kahin pe aur kar sakte ho and move on, right Vidushi? That's going to be good. Time is a bigger investment, I just feel. Yeah. Even if money is gone, just don't waste your time there. Right. तो अपना समय इज मोर कीमती देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी, तो भाई वो पता होना चाहिए थोड़ा सा। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो ये चीज़ें सेट हो ही जाती हैं। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द थिंग्स। अभी तक हमने बात किया है मॉक्स का, एनालिसिस का, कौन से मॉक देने चाहिए नहीं देने चाहिए, एंड फाइनली विल टॉक अबाउट, मैं तो बोलता हूँ वो मॉक दो जहाँ पे तुम्हारी लह लग जाए,
खुद कैट के पुराने पेपर देखो, 3-4 साल के पेपर अवेलेबल होते हैं गूगल पे, पहले वो दे दो और तुम्हें पता चल जाएगा वेर यू स्टैंड एज पर द इंटायर कैट। अपने अपने दोस्तों के साथ मत पूछो, वो भी पूछ सकते हो, थोड़ा अपने से इंटेलिजेंट लोगों से पूछना चाहिए तो आपको थोड़ा और भी मजा आएगा, राइट? That's going to be helpful. Yes. Great. Vidushi, let's talk about analysis. What are the process of analysis? You Saturday mock de rahi thi ki Sunday ko mock de rahi thi? Main Saturday de rahi thi. Mm-hmm. I would just feel ki 5 din chala gaya, I was working na. To mostly preparation mein gaya 5 din, to chhathe din ek mock de dena chahiye. Great. So us din jaise maine bola shanti hai pure ghar mein aur main mock deta, then I used to take a break. क्योंकि ब्रेक भी चाहिए और फिर मैं रात को एनालिसिस करने बैठती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब 3 आवर्स का होता था तो मैं 5 घंटे लगाती थी एनालिसिस में। आई वाज, मतलब मुझे स्ट्रेस किस बात का होता था, मॉक देने का नहीं, उसका एनालिसिस करने का, क्योंकि दैट यूज्ड टू टेक 5 आवर्स। बट आई न्यू इफ आई एम नॉट डूइंग दिस प्रॉपरली, इट्स ऑफ एब्सोल्यूट नो यूज। आई हैड अ नोटबुक जहाँ पे मैं, आई यूज्ड टू टर्न एवरी क्वेश्चन दैट आई डिड राइट एंड रॉन्ग, आई मीन नॉट जस्ट रॉन्ग, राइट, as easy medium and hard, and there were questions जो लक से सही हो गए थे, मैं वो भी लिखती थी कि ये by luck सही हो गया। Wow. जब मैंने mark करा था, तो you have to analyze every question that is there, even if you were able to solve it, you will just get a new way to solve it, and you will see how you could have maybe saved time, or maybe just कि हाँ तुमने जो करा वो ठीक है, तुम्हें ऐसे ही करना है बाद में भी। Great. तो पहली बात है इजी मीडियम तुक्का, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करो कि ये तेरा तुक्के से भी ठीक हो पता होना चाहिए, ताकि तो एक्स्ट्रा नंबर लेके फेक करते जाओ, हाँ मेरे नंबर आ रहे हैं, और एंड में जाके उड़ जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। ग्रेट, व्हाट एल्स वर यू राइटिंग इन द नोटबुक्स एंड एवरीथिंग? यस, सो वर्बल वाज वीएआरसी सेक्शन वाज मोस्टली दिस कैटेगराइजेशन, एंड वो जो लॉजिक गैप था वो मैं ब्रैकेट में, रिमेंबर मैं आंसर लिख के लिखूंगी कि ये मैंने क्यों सोचा था, ये आंसर मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया था और वहां पे क्या चल रहा है। और because with good mocks is what comes with good mocks is good analysis, wo real cat mocks ke sath mujhe mil raha tha, so I was just sticking to those. Aur ye verbal ka ho gaya aapka, aur LRDI jo maine set solve kar diye unka main phir se solution dungi, to see ki waise hi kara hai ya koi aur method hai. Jo maine nahi kara wo main pehle khud karungi, you know. Mm-hmm. Time nahi hai abhi, koi pressure nahi hai, karu baith kar. ये कर सकते थे, आई मीन सो मेनी टाइम्स आई वुड जस्ट बी लाइक क्यों नहीं करा मैंने इस टाइम पे। ये तो कैट के, ये तो कैट के दिन में भी होगा यार, व्हेन यू कम आउट ऑफ द कैट एकदम, अरे यार ये क्यों नहीं करा, जब आंसर की आएगी तो ये क्यों नहीं करा, ये तो होने ही वाला है। लवली। एंड विद रिस्पेक्ट टू क्वांट, आई वाज सेग्रीगेटिंग क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, अरिथमेटिक का ये, ज्योमेट्री का ये, एंड अगेन मीडियम इजी हार्ड, और कुछ ऐसे भी होते थे अगर मॉक्स में ऐसा कि बिल्कुल नहीं करना था अटेंड, बिकॉज इट्स अबाउट सिलेक्शन, राइट, मैं वो भी लिखती थी कि ये टच ही नहीं करना था तुमको, राइट, डोंट टच दिस क्वेश्चन, डू नॉट टच, इजी मीडियम डिफिकल्ट लक एंड डू नॉट टच एज वेल, ये तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैट इज ऑल अबाउट लीविंग द क्वेश्चंस आल्सो एंड गेटिंग मोर मार्क्स, ये भी एक आर्ट है, समझ रहे हो? Yeah. नहीं तो तुम वो डू नॉट टच में जाके उसको अबे वो करना ही नहीं था यार, वो पहले पता होना चाहिए। ग्रेट 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 ग्रेट, या एंड एज इन मैं कुछ नया सीख रही थी, सो दिस इज माय रिवीजन लास्ट मोमेंट के लिए, इधर लिखे जा रही थी बस फॉर्मूला। क्या बात है, और ये सारे व्हाट आर दी, व्हाट आर, शो देम अगेन, दीज आर ऑल कुछ नया सीखा है यार, लास्ट मिनट तुम्हें रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, वाह, के नोटबुक से सीखोगे या क्या करोगे, सो यू हैव टू जस्ट हर टॉपिक का जो भी नया सीखो ये पेपर्स पे, इट विल जस्ट बी अ कांसेप्ट। क्या बात, एंड यू जस्ट हैव टू नोट इट डाउन। लवली, लवली। सो इफ यू वांट टू बिकम अ कैट टॉपर एंड बिकम लाइक विदुषी, ऐसे इजी वे नहीं होता है भैया। अभी ये इसकी स्माइल से इट ऑल, मैं तो बहुत चिल्ड आउट, नहीं नहीं अभी किताबें बाहर निकल के आ रही है, देख रहे हो भैया, तो लिखो भाई, किताबें बहुत जरूरी है, मैं भी खुद लिखता हूँ, मैं नोट्स लेके बैठा हूँ भाई, मजाक है क्या। सो फॉर एन एवरी ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन, फॉर एवरी ब्यूटिफुल आउटकम, देर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देर लॉट ऑफ डिप्रेसिंग मोमेंट्स, देर लॉट ऑफ emptying your inks in the pens again and again, ups and downs, but if you sail through those, success await. Great yaar. Any parting thoughts, Vidushi, to all these people who are listening to us? Rahul sir ki baat sunni chahiye ki nahi sunni chahiye? Rahul sir ki baat suno, har video dekho unka, I would say, because kuch na kuch, at least one thing, tumhe wahan se seekhne ko milegi, and
एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है उस दिन के लिए, वो एक चीज के कारण एक नंबर भी बढ़ जाएगा ना लास्ट दिन, यूजर्स भी लाइक बहुत, तो तुम्हें तब पता चलेगा वो एक मार्क की कीमत। क्या बात है, तो यस, क्या बात एंड है। ड्यूरिंग मॉक्स आई वुड जस्ट से कि तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, मेरे पहले मॉक में ही ज्यादा आए थे तो मुझे लगा था वो आई एम डूइंग प्रीटी वेल, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे मॉक्स की, क्योंकि एज एन आप करोगे कि थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी विद प्रिपरेशन टुवर्ड्स कैट, कैट और ज्यादा कैट की तरफ जाते जाओगे, और फिर यू वुड बी लाइक आज गिव अप मारते हैं, अब तो एलआरडीआई नहीं होगा, अब तो वर्बल नहीं होगा, आज तो क्वांट, अब तो क्वांट नहीं होगा, ये टॉपिक छोड़ देते हैं क्योंकि वो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, लगे रहो बस, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस इज ऑल आई हैव टू से, यू जस्ट डोंट हैव टू गिव अप एंड यू विल जस्ट कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। Lovely. So, boys and girls, 5 months to CAT, and this is Vidushi at 99.3 in verbal ability and overall 97 percentile of CAT. Vidushi, thank you so much, yaar. You're a role model for many people, and और तूने मेहनत करी, and I feel very proud. तूने आज गर्व से हमारा भी सीना और चौड़ा हो गया है. And keep the CAT King flag high wherever you go inside, हाँ, अंदर जाके भी छक्के मारने हैं अभी. Definitely. Great, great, great. And अगले साल आगे बच्चों को पढ़ाना है, ज्ञान देना है. फ्री रहेगी ना, थोड़ा सा टाइम निकाल लेगी ना. बिल्कुल, जब आप बोलो। क्या बात है, हाउ स्वीट ऑफ यू. बॉयज एंड गर्ल, दिस इज व्हाट वी कॉल द कैट किंग फैमिली, एंड कीप कमिंग बैक. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. और इनको बोले यार विदुषी, वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ बोल दे. प्लीज राहुल जी का चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने जो बोला हर वीडियो में एक चीज मिलेगी, और दिन में 3-4 वीडियोस आ रहे हैं, बस वीडियो देखकर तुम सीख, चलो 2x स्पीड में देख लो, लेकिन देख लो देख लो। सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच विदुषी, थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब कर लो भाई, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. एंड गॉड ब्लेस यू विदुषी. व्हेन यू स्टार्टेड विद अस, आई थिंक वी वर एट 40K सब्सक्राइबर था ना उस टाइम पे. 40K सब्सक्राइबर, एंड नाउ वी आर एट 100, 103K हो गए हैं आज रात को. इनफैक्ट क्या बात है. थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विदुषी. हैव अ गुड डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट. थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय, टेक केयर.